नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24, मैं नेहा सिंह। आइए जानते हैं आज की कुछ खास खबरें। संसद में जया बच्चन के बयान से लहालोट हुई शिवसेना, तारीफ में लिखा आप सच बोलने के लिए मशहूर। राज्यसभा में कांग्रेस ने 10,000 भारतीयों को चीन द्वारा जासूसी का मुद्दा उठाया। शिंजो आबे के करीबी योशीहिदे सुगा बने जापान के नए प्रधानमंत्री। बचा लो देश की जवानी को बॉलीवुड में ड्रग्स पर मचे संग्राम में फिर बोले बीजेपी संसद में रवि किशन। मोदी सरकार ने दिए संकेत, LEC को लेकर बंद कमरे में हो सकती विपक्षी नेताओं के साथ बातचीत। भारत ने UN में पाकिस्तान को लथाड़ा, कहा आतंकवाद के केंद्र में नहीं देनी चाहिए मानव अधिकार पर भाषण। बिहार विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर लड़ेगी लोजपा, फैसला पर पार्टी सांसदों की अहम बैठक आज। निर्वाचन आयोग की उच्च स्तरीय टीम ने चुनाव की तैयारी पर जताया संतोष। कोरोना संक्रमित वोटरों का सबसे अंत में मिलेगा वोटिंग का मौका। PM नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर प्रदेश के विश्वविद्यालय में देंगे 71,000 पीपल वृक्षों को तोहफा। आगे की खबरों के लिए बने रहिए नेशन 24 के साथ। नमस्कार।